को पता होगा कि यार ग्लोबली कोई ना यार गाइस यार स्मार्टफोन तो लॉन्च ही होते रहते हैं। इतने सारी कंपनियां से यहाँ पर बहुत ही बेटर से बेटर यहाँ पर सेल फोन लाने की कोशिश तो जरूर करती रहती है। उसी के साथ गाइस यहाँ पर ओप्पो की तरफ से एक न्यू अपडेट निकल के सामने आ रहा है। उन्होंने गाइस ग्लोबली एक फोन को अनाउंस कर दिया है, यहाँ पर आपको मोबाइल देखने को मिलने वाला है, ओप्पो फोल्ड X7 गाइस यहाँ पर बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी गाइस लॉन्च होने वाला है। लॉन्चिंग डेट क्या है इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि लॉन्चिंग डेट क्या होने वाली है, और ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द गाइस इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। चलो इसी के साथ चलते हैं हमारे स्मार्टफोन की दुनिया में अंदर, यहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ पर ओप्पो अभी न्यू फंक्शन देने वाला है, ओप्पो फोल्ड X7 के अंदर गाइस आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस पहली बात ही क्लियर कर दो, ये 5G का फोन रहने वाला है और ये बहुत ही अच्छा रैम बीम के साथ आपको यहाँ पर इसके और क्या आपको न्यू फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ गाइस चलो मैं इस वीडियो में आपको पूरी की तरह से डिटेल्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर गाइस फर्स्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपको सिम कार्ड यहाँ मिलने वाला है, डुअल सिम मिलने वाला है। सिम की साइज होने वाली गाइस जैसे कि अपने अदर ब्रांड की भी होती है, नैनो सिम आ जाता है यहाँ पर गाइस, यहाँ पे भी आपको नैनो सिम देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ गाइस यहाँ पर आपको 3G 4G 5G ये तीनों भी नेटवर्क के अंदर आपका इंटरनेट होगा जो गाइस यहाँ पर पूरी तरीके से काम करने वाला है। और ये गाइस आपको तो पता होगा यार 5G का जमाना था, पहले जो 3G 2G आया था तब मुझे लगता था मैं जब उस टाइम पे 2G यूज करता था एक सॉन्ग डाउनलोड करने पूरा दिन जाता था। यहाँ पर गाइस 5G सिम से आपको एक की 50 सेकंड के अंदर यहाँ पे आपका कोई भी सॉन्ग डाउनलोड हो जाता है, इतना स्मार्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर गाइस 5G अपने को देखने को मिला। उसी के साथ गाइस यहाँ पे आप लोग GPS तो ऑलरेडी सभी मोबाइल के अंदर तो रहता है। इसकी बात करते हैं अभी डिस्प्ले के, यहाँ पर कलरफुल AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और उसकी साइज होने वाली 6.83 यहाँ पर उसकी साइज होने वाली है। यहाँ पर HDR यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है और 4K क्वालिटी के साथ यहाँ पर डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप कोई भी वीडियो हो गया कोई मूवी हो गई या कोई सीरियल भी हो गए गाइस यहाँ पर HD में देखने को मजा आता है। फिलहाल तो वो 2G जमाना था, वहाँ पर हम डाउनलोड करते थे, उसके बाद वो मूवीज हम लोग देखते थे वहाँ पर, उसको डाउनलोड करने में 2 वीक तो चले जाते थे। उसी के साथ यहाँ पर आपको वीडियो की भी 4K का क्वालिटी के साथ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसकी बात की जाए तो अभी इसके अंदर आपको जो रैम मिलने वाली है गाइस यहाँ पर 12 GB रैम होने वाली है और इंटरनल मेमोरी गाइस यहाँ पर 256 यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, 256 GB यहाँ पर इंटरनल मेमोरी आपको देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ गाइस आपको यहाँ पर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर हमारे फोन के लॉक या अनलॉक के बारे में। सबसे बड़ी गाइस स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट तो ऑलरेडी भी होता है और इसी के भी अंदर आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है और फेस लॉक भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर आपको सेटअप कैमरा की बात आ जाती है, यहाँ पर आप कोई भी फोटो क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर गाइस फेसबुक इंस्टा और इधर का अदर साइड पे हमें अपलोड करना रहता है। यहाँ पर DSLR के जैसे आपको यहाँ पर साइट और इफेक्ट यार इसके साथ भी गाइस मैं आपको एक बता दूँ कि इसके कैमरे के साथ एडिटिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि आप कोई भी हो गया अदर पीपल्स को आप यहाँ पर ऐड किया और उसको आपके फोटो के अंदर नहीं चाहिए तो यहाँ पर इसको ऑब्वियसली क्रैश कर देना है और डायरेक्टली यहाँ पे मैजिक कैमरे के जैसे यहाँ पर गाइस वो फोटो तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपको देख सकते हैं इमेज कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस ओप्पो फोल्ड X7 के अंदर गाइस को आपको 3 सेटअप कैमरा बैक साइड पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ गाइस यहाँ पर जो कैमरा होने वाला है एक 50 मेगापिक्सल का होने वाला है और एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। जैसे कि अभी यहाँ पर आ जाती है सेल्फी की बात और यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा गाइस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उससे भी कैमरा गाइस आपको यहाँ पे अल्ट्रा HD के साथ यहाँ पर गाइस देखने को मिल
मिलने वाले हैं। इसीलिए गाइस ओप्पो फोल्ड से एक सेवन के अंदर आपको ये बहुत ही बढ़िया गाइस आपको एक फंक्शन कैमरे का यहाँ पर देखने को गाइस मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस ओप्पो कोई भी न्यू ब्रांडेड मोबाइल लेके आता है तो उसी के साथ कुछ ना कुछ एक नया तो नया चेंज तो जरूर लेके आता है। यहाँ पर गाइस आप बात करते हैं यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो मिलने वाला है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसकी कैपेसिटी 9300 तक होने वाली गाइस। यहाँ पर मुझे लगता है कि यार आप जो पबजी गेम हो गया ऑर्डर क्या बहुत ही सारे लोग अभी पबजी तो खेलते हैं उनके साथ आपको गाइस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर गाइस आपका मोबाइल हीटिंग का प्रॉब्लम 0% गाइस आपको यहाँ पर गाइस देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर गाइस जो स्नैपड्रैगन हो गया एंड्रॉयड 14 इसके साथ गाइस आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में यहाँ पर गाइस यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और 100W चार्जर आपको यहाँ पर स्मार्ट फास्ट चार्जर यहाँ पर मिलने वाला है और वो भी सी पिन के साथ यहाँ पर गाइस। फिलहाल गाइस आपको ये ओप्पो फोल्ड सेवन एक्स सेवन के बारे में क्या लगता है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके बारे में क्या राय है और इसके बाद इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है 10 फरवरी को यहाँ पर गाइस यहाँ पर इंडिया के अंदर ही मोबाइल स्मार्टफोन गाइस यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ गाइस मैं आपको एक बता दूँ कि ओप्पो के हर टाइम यार कुछ ना कुछ उसको स्पेसिफिक कैमरे के बारे में तो कहा जाए तो नंबर वन पे ही। इसी के साथ गाइस आपको जो प्रोसेसर भी दिया गया है बहुत ही अच्छा। इसी के साथ अभी सभी मोबाइल के अंदर पहले 128 की इंटरनल मेमोरी थी अभी सभी स्मार्टफोन वालों ने यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले में वीडियो में मैंने बता दिया कि रेडमी 30 प्रो आ रहा है उसके साथ भी गाइस लॉन्च करने वाले उसी 256 GB ऑलरेडी उसके में अंदर इंटरनल मेमोरी होने वाली है वैसे गाइस ओप्पो के साथ भी होने वाली है। फिलहाल गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ गाइस फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना।